हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज इंडियन ज्योग्राफी भारत भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि इसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए। ये बहुत ही जनरल चीज़ है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, UPSC SSC वगैरह में। ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों, और दोस्तों, इस सीरीज को चालू करने के पीछे दूसरा राज भी है। दूसरा राज ये मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें जब नेशनल पार्क्स बहुत सारे याद कर लेते हैं, बहुत सारे माउंटेन याद कर लेते हैं, बहुत सारी नदियाँ याद कर लेते हैं, तो उनके मिक्स होने लगते हैं, फिर वो भूलने लगते हैं, उसमें गड़बड़ होने लगती है, वो कहते हैं मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं इसमें एक बहुत ही सिंपल तरीके, यानी कि मैं मैप से पढ़ाऊँगा, इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करती जाइए और शेयर भी करते जाना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, एक और बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोग मेरे साथ 10 से 15 मिनट बस, केवल 10 से 15 मिनट डेली देंगे और आप अपने घर पर सिर्फ 10 मिनट में उस चीज़ को एक या दो बार, बस इससे ज़्यादा नहीं, एक या दो बार रिवाइज करेंगे। आप देखिएगा, मेरे साथ जैसे जैसे टाइम बिताएंगे आप अपने आप को पाएंगे कि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं भारत के भूगोल की जानकारी के बारे में। तो आइए दोस्तों, आप शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक ज्ञान, जिससे हमें शुरुआत करनी है, सबसे पहले हमें किसी भी ज्योग्राफी में किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो सबसे पहले हमें दिशा पता होनी चाहिए कि दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सीखते हैं। ये हमने दिशा बनाई, ये तीर के निशान बनाया, चार ही दिशा होती है ना, हम सबको पता है, अच्छे से पता है। ये ऊपर की तरफ, ये है अपना नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये अपना नीचे की साइड साउथ यानी कि दक्षिण, और राइट साइड में ईस्ट यानी कि पूर्व, और इसी लेफ्ट साइड में पश्चिम वेस्ट। ठीक है ना दोस्तों, हमें ये दिशा का ज्ञान हो गया है। आप लोग कभी ये मत सोचने लगना कि आप लोग खड़े हैं और अपने सिर के ऊपर देखेंगे तो आसमान में नॉर्थ होगा और ज़मीन में साउथ होगा, ऐसा नहीं होता है। ये मैप को सामने से देख रहे हैं, यानी कि आप किसी नक्शे को सामने से देख रहे हैं, इसलिए ऊपर की तरफ मैप में ऊपर जाना है, अपने ऊपर मत जाना। ठीक है ना दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग भारत की बेसिक जानकारी लेते हैं कि भारत की आकार स्थिति क्या है। दोस्तों, इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये आपको हमारी पृथ्वी दिख रही होगी, पृथ्वी के बीच में ये जो 0 डिग्री दिख रही है ना आपको, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। आप लोगों को अक्षांश देशांतर पता ही होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं है पता तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि पृथ्वी के केंद्र से एक कोण मापा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर मापा जाता है, और अगर पृथ्वी की सतह पर ठीक बीच में मापें तो ये 0 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है, यहाँ पर अपना, और 0 डिग्री लाइन को अगर हम पृथ्वी के चारों ओर घुमा दें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, जो क्षैतिज दिशा में खींची जाएंगी वो अक्षांश रेखा, और जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ दिख रही हैं वो अपनी देशांतर रेखा होंगी। तो दोस्तों, आपको इतनी समझ में आ गई होगी, और ये अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, और ऐसे ही अपनी एक इधर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए, जो अपनी इक्वेटर थी यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं इसे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर अभी हमने क्या सीखा था, ऊपर नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा होती है, तो हम इसे उत्तरी गोलार्ध बोल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, और नीचे की साइड साउथ दिशा होती है, हमने पढ़ा था अभी। तो इसमें ये नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण। पृथ्वी का आधा हिस्सा, पृथ्वी एक गोल है, और गोले का आधा भाग क्या होता है, गोलार्ध, यानी कि ऊपर कौन सी दिशा थी, उत्तर, यानी कि ऊपर का गोलार्ध कितना, कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का गोलार्ध कौन सा हुआ दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। सीख गए ना। तो दोस्तों, अब देखते हैं भारत अपना पूरे विश्व में कहाँ दिखता है। तो दोस्तों, ये अपना रेड कलर में इंडिया दिख रहा है, प्यारा भारत, और यह देखिए यहाँ से अपना ये एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप तो आप लोग जानते हैं, एशिया महाद्वीप में ये पड़ता है, और हमारी इक्वेटर जो अभी हम 0 डिग्री लाइन की बात कर रहे थे ना दोस्तों, वो लगभग यहाँ से कहीं से ऐसे निकल जाती है, जो कि इंडिया से बहुत नीचे है यानी कि साउथ की तरफ है,
और इक्वेटर के ऊपर वाला भाग कौन सा था दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। पढ़ा था ना अभी अपने आपने। तो ये हमारा भारत देश किस गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना दोस्तों, अब समझ गए हैं। और जो हमने बताया था 0 डिग्री देशांतर, वो यहाँ कहीं से आती है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये अपना 0 डिग्री हो गया। और ये 0 डिग्री आती है, तो ये 0 डिग्री के इस साइड हमने क्या पढ़ा था? दिशा वेस्ट यानी कि पश्चिम। और इस साइड कौन सी पढ़ेंगे अपन? पूर्व। समझ गया ना तो दोस्तों, तो हम लोग बता सकते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, समझ गए। और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, यानी कि एशिया महाद्वीप का नीचे वाला सिरा कौन सा हुआ? दक्षिण। तो उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हमारा भारत स्थित है। और यह पूर्वी देशांतर पर है। समझ गया ना दोस्तों, पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पूरी पृथ्वी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में काल्पनिक होती हैं। ये दोस्तों मैं बताना भूल गया था, काल्पनिक होती हैं, ये पृथ्वी पर बनी नहीं है, ये पृथ्वी के भूगोल की जानकारी के लिए मानी गई हैं, इनकी कल्पना की गई है। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर ऐसे बनाई गई हैं काल्पनिक रेखाएं। तो दोस्तों इस अपने इंडिया के जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि नीचे की साइड, समझ गया ना, अब आपको दिशा का सही से पता चल रहा होगा। यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अंडमान निकोबार है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। अंडमान निकोबार का यहाँ जो दक्षिणतम यानी कि सबसे नीचे वाले बिंदु से, यानी कि अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचा वाला पॉइंट है, वहाँ का जो कोई भी पॉइंट है उससे जो रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा, समझ रहे हैं, अक्षांश रेखा, वो 8 डिग्री 4 मिनट की है। और जो हमारा उत्तर यानी कि उत्तरी भारत, ये ऊपर यहाँ का जो सबसे ऊपरी पॉइंट है, जो स्थल माना जाए, वहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट रेखा, अक्षांश रेखा गुजरती है। दोस्तों आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं देशांतर, ऐसे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम पश्चिम यानी कि इस साइड की बात करें, इस साइड भारत का ये अपना कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ से जो हमारी देशांतर रेखा गुजरती है पश्चिमी छोर पर, उसको हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में था, याद है ना दोस्तों। अब देखिए इसके पूर्वी छोर की बात करते हैं, पूर्वी छोर पर देखें तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है, और ये भी ईस्ट बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आने के लिए कि ये कौन सी देशांतर रेखा है, 0 डिग्री के लेफ्ट साइड में वेस्ट में गिनी जाती हैं, और जो ईस्ट राइट साइड में होंगी वो ईस्ट में, इसीलिए हमें एक्यूरेट पता करने के लिए ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जोड़नी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान हो चुका है। आप लोग इसे एक दो बार सोचेंगे या लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी भारत से जुड़ी बेसिक जानकारी की क्लास है, हमें सिर्फ बेसिक जानकारी लेना है इस क्लास से कि हमारा भारत कहाँ है, कैसा है, बहुत सी जानकारी हमें पता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यहाँ से ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की भारत की कुल लंबाई बात करें दोस्तों तो 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व यहाँ तक, समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक बात करें तो यह 2933 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी बेसिक जानकारी है, याद रखना है। ठीक है, और जो भारत का मानक समय है, आप लोगों को बता दूं कि भारत के जैसे हर देश में अपना एक अलग मानक समय होता है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा समय नहीं होता है, एक भाग में दिन होता है, एक भाग में रात होती है, इसलिए हर देश का अपना अलग अलग समय है। हमारे भारत का मानक समय जो लिया गया है वो देशांतर से लिया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी में ये बता दिया जाता है। तो दोस्तों हमारे जो भारत का मानक समय लिया गया है वो 1.82 यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा से लिया गया है, जो रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से लिया गया है, जो कि
ये आपको दिख रहा है। आप लोगों को पता होगा कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, एक ऐसा द्वीप जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। तो दोस्तों आइए इसके समुद्र की बात करते हैं कि और भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। हमने सीखा था अभी कि राइट साइड में ईस्ट साइड होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। लेफ्ट साइड में पश्चिम साइड होती है, लेफ्ट साइड पश्चिम साइड, और लेफ्ट साइड में भारत के पश्चिम साइड में क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है, नीचे की साइड हिंद महासागर। और दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे विश्व में हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और किसी भी महासागर का नाम देश किसी देश के नाम पर नहीं रखा गया है। अब हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि यह पूरब में और पश्चिम में और दक्षिण में तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, और हम जानते हैं कि तीन ओर से कोई भी द्वीप घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। आइए दोस्तों अब इसके स्थल सीमा की बात करें। ये अपना ये अपनी स्थल सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये तो अपनी तटीय सीमा थी, हमने अभी तटीय सीमा की बात करी, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम स्थल सीमा की बात करते हैं, ये कि कौन कौन से देशों से सीमा जोड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पश्चिम में, आपको समझ में आ रहा होगा ना दिशा, ये देखिए पश्चिम में हमारा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, और ऊपर आप देखेंगे गौर से, ये देखिए यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे जब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा अफगानिस्तान है, ये वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान यहाँ पे कहीं टच कर रहा है इंडिया से, और अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान है जो कि इंडिया से टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने मिल रही हैं। देखिए पाकिस्तान चाइना से टच नहीं कर रहा है, ये अपना चाइना है, ठीक है, चाइना से टच नहीं कर रहा है, और ताजिकिस्तान इंडिया से टच नहीं कर रहा है, समझ गया ना दोस्तों। और अफगानिस्तान चाइना से भी टच कर रहा है और इंडिया से भी टच कर रहा है, ये अपना हो गया वेस्ट साइड पश्चिम। अब इधर देखते हैं दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट, ये अपना ऊपर नॉर्थ और इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, चाइना, यहाँ पे तिब्बत वाला क्षेत्र, ठीक है ये समझ में आ गया। और ये अपना नेपाल, इसको भी आप अच्छे से जानते होंगे, और ये अपना भूटान जुड़ा हुआ है, और नीचे की साइड ये बांग्लादेश, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, और यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये अपना म्यांमार है यहाँ, और ईस्ट साइड में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है। नंबर वन पाकिस्तान, नंबर टू अफगानिस्तान, नंबर थ्री चाइना, नंबर फोर नेपाल, नंबर फाइव भूटान, नंबर सिक्स बांग्लादेश, और नंबर सेवन म्यांमार। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत की स्थल सीमा सात देशों से जुड़ती है, और आपको उन देशों के नाम भी पता चल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बस एक बार घर पर 5 मिनट ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो हमारी तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, वो भी आपको बता देता हूँ। तटीय सीमा समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो जल से लगी हुई सीमा है भारत की, ये देखिए अपना दोस्त पहला गुजरात, ये वाला अपना गुजरात है एक राज्य, नंबर दूसरा महाराष्ट्र से भी लग रहा है दो राज्य, तीसरा ये कर्नाटक ग्रीन ग्रीन, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक कर्नाटक से भी लग रहा है तीन राज्य, ये अपना छोटू सा केरला, इस ये चार हो गए राज्य, ठीक है। अब इस नीचे नंबर पाँच तमिलनाडु, नंबर छः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है, नंबर सेवन उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, और नंबर एट पश्चिम बंगाल। और आप लोग एक राज्य भूल रहे हैं दोस्तों, कोई बता सकता है, वो है अपना यहाँ पे गोवा, समझ गए ना दोस्तों, यानी कि पूरे नौ राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए जानकारी हो गई। अपना उत्तर प्रदेश, ये अपना बिहार, ये अपना पश्चिम बंगाल, ये अपना सिक्किम, ये अपना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को दोस्तों अभी नाम जानने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन हम अभी गिनती कर लेते हैं कि कितने राज्यों की स्थल सीमा अन्य देशों से जुड़ रही है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 देशों की दोस्तों जुड़ रही है, दोस्तों 15 राज्यों की सीमा जुड़ रही है, और दो केंद्र शासित प्रदेश की भी सीमा जुड़ रही है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आप लोगों को हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो अपनी तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। भारत में तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आप लोग दोस्तों इसे एक दो बार सोचेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। और जो हमारी स्थलीय सीमा है ये वाली आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों के लिए हम भारत के बारे में और अभी बेसिक जानकारी बहुत सारी हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग आगे जो अगली वीडियो बनाएंगे वो भारत के भौतिक भूगोल से शुरुआत कर देंगे और हम अपने इंडियन ज्योग्राफी को तरीके से पढ़ेंगे और जो बेसिक छोटी मोटी जानकारी रह रही हैं उनको मैं धीरे धीरे बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये आपको तटीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बेसिक जानकारी और दे दूं कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा यानी कि लंबाई में सबसे ज़्यादा चाइना से नहीं लगती है। आप लोग गलत मत कर देना, बेशक चाइना ऊपर ज़्यादा लगता है, क्षेत्रफल में ज़्यादा है और ज़्यादा दिख रहा है तो ये इसी से ज़्यादा लगती होगी। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। दोस्तों आप लोग याद रखिए, ये अपना बांग्लादेश है, इसी से सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग भारत के भूगोल की शुरुआत करते हैं। भारत का जो भौतिक भूगोल है यानी कि जो भारत का अपना नक्शा है आप लोग उसे समझें, तो भारत के भौतिक भूगोल यानी कि उसकी भौतिकी क्या है, उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। भारत के भौतिक भूगोल को हमने 6 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 6 भागों की बात करें तो सबसे पहले आता है हिमालय। ठीक है दोस्तों, हिमालय एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और नंबर 2 उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, और नंबर 3 में क्या है, ऐसे अपन बांट रहे हैं, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप अपन समझ चुके हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि प्रायद्वीप में कौन कौन से पठार हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 है अपना भारतीय मरुस्थल। ये हमारा अलग है क्योंकि भारत में जो मरुस्थल है वो एक अलग ही है। ठीक है, उसको अपन एक अलग भौतिक क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, इसीलिए नंबर 5 तटीय मैदान। तटीय हम लोग समझ चुके हैं, तटीय क्या है, जो तटीय क्षेत्र में मैदान बनते हैं उन्हें तटीय मैदान, एक वो हमारा हिस्सा हो गया। और 6वां हिस्सा है हमारे द्वीप समूह, भारत के कौन कौन से द्वीप हैं उनके बारे में। ये हमारा पूरा भौतिक भारत हो गया कि हमारा भौतिक भारत कैसे कैसे बटा हुआ है, किन किन क्षेत्रों, क्या क्या विशेषता है। ठीक है दोस्तों, इन 6 टॉपिकों की वीडियो मैं अब बनाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो और आप ज्योग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं किसी कोर्स के लिए, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की मैं तैयारी पूरी करा दूंगा इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।